आज हम एक ऐसे पक्षी से मिलने वाले हैं जो इतिहास का सबसे बदनाम पंछी माना जाता है। यह पंछी गिद्ध के परिवार से होता है, मगर उनकी तरह गंजा नहीं। हम जिसकी बात कर रहे हैं, यह एक शानदार जीव है जिसकी बड़ी सी चोंच के नीचे दाढ़ी होती है, इसीलिए उसे बेड वल्चर कहते हैं। कई जगह इसे लिमोर्जियर भी कहते हैं। यह 1 मीटर इतने लंबे हो सकते हैं। इनके पंखों का फैलाव 7 से 9 फीट तक होता है। जब यह दाना हवा में उड़ता है तो क्या नज़ारा होता होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसे तो यह जीव शिकार ना के बराबर करते हैं। यह भी अपने रिश्तेदार की तरह मरा हुआ जानवर ही खाते हैं, मगर जो बात इन्हें अलग बनाती है वो ये है कि यह 70 से 90% हड्डी खाते हैं। बेड वल्चर को हड्डी के अंदर का बोन मैरो बहुत पसंद होता है, इसलिए वह अपने मजबूत पंजों में हड्डी उठाकर आसमान में उड़ जाते हैं। कहते हैं कि वह अपने वजन के इतनी हड्डियां उठा के ले जा सकते हैं। इनका वजन 4 से 7 किलो तक होता है। खैर, हवा में हड्डी ले जाने के बाद यह एक पत्थर पर इस हड्डी को छोड़ देते हैं ताकि वह टूट जाए। अगर वह हड्डी नहीं टूटती तो यह कोशिश बार बार करते रहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे यह बेड वल्चर इस हड्डी को ज़मीन पर छोड़ देता है और यह ज़मीन में रहकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वह नीचे आकर उसे खाना शुरू कर देता है। इनके शरीर के एसिडिक मात्रा के वजह से इनका पाचन शक्ति अच्छी होती है, जिस वजह से वह हड्डियाँ पचा सकते हैं। देखा जाए तो यह जीव 40 साल तक जीता है। यह अपना घोंसला ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर बनाते हैं। बेड वल्चर की मादा आकार में बड़ी होती है। वह एक बार में 1 से 2 अंडे देती है, जिसमें से 52 से 56 दिन में बच्चे बाहर आ जाते हैं। प्राचीन किताबों में लिखा गया है कि यह जीव भेड़ और बच्चों को उठा ले जाता है, इस वजह से इसका काफ़ी शिकार हुआ। अब इसे लोग उड़ता हुआ दानव कहे या कुछ और, मैं तो इसे कहूँगा यह एक शानदार जीव है जिसे देखने का एक अलग ही अनुभव है। आप इस बेड वल्चर के बारे में क्या सोचते हैं हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।